पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की मारपीट के बाद जहां पूरे देश में डॉक्टर्स रोष जाहिर करने के लिए हड़ताल पर हैं, वहीं दिल्ली के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में सुचारू रूप से मरीजों के इलाज का काम चल रहा है। यहां किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जाहिर नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में कार्य प्रतिदिन की तरह जारी रहने से मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अस्पताल के सीएमओ मनोज कुमार का कहना है कि डॉक्टरों को एक साथ आना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। देखो, सुबह जब मैं ड्यूटी पे आया था तो रेजिडेंट डॉक्टर्स समर्थन करना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने कई सारे डर रहते हैं कि अस्पताल लग जाए, प्रशासन कोई एक्टिविटी ना करे। तो अभी तक तो इन्होंने हड़ताल की नहीं है, पर ऐसे पर्सनली डॉक्टर मनोज मैं कहना चाहता हूँ, हड़ताल करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सारे डॉक्टरों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की पिटाई के मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ है। इस घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग के साथ कहा गया कि आए दिन डॉक्टर्स मारपीट की घटना के शिकार होते हैं, कभी बंगाल तो कभी दिल्ली में पीटे जाते हैं, इस पर रोक लगाई जाए। वहीं राजधानी दिल्ली में तमाम बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की हुई है। दिल्ली के एम्स व सफदरजंग सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों ने शुक्रवार सुबह एम्स और सफदरगंज में नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। इससे दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पुराने मरीजों के लिए ओपीडी खुली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।